टू माई चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का बना हुआ है करंट में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, और किस तरह से और क्या, ये सभी चीजों को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा है, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके बाद बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, स्पेशली उस वक्त पे। तो चलिए जी, देख लेते हैं। फोकस बना लीजिएगा, टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है तो आपको उस हिसाब से लेना होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, अब क्या है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, फार अवे डिस्टेंस, कन्फेसिंग द ट्रुथ, रिसिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग एंड इररेस्टिबल टेम्पटेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड, स्ट्रेस, इंटेंसिटी, असोस, अबेंडेंस, इनर वॉइस, बॉटम इज सॉरो। सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर। नंबर जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखे वो है आपके 7, 2 एंड 9 एंड मंथ जो यहाँ पर काफी खास दिखे वो है जुलाई, फरवरी और आपका सेप्टेम्बर मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसका माध्यम जो था वो सोशल मीडिया था, यानी कि आप लोगों ने काफी वक्त तक तो ऑनलाइन ही इस रिश्ते में काफी ज्यादा डेटिंग करी है। और कुछ लोगों के केस में तो इवन ये भी चांसेस हैं कि ये रिश्ता शुरुआती तौर पर या काफी वक्त तक लॉन्ग डिस्टेंस में रहा हो। अब आप दोनों के बीच में दूरियां डेफिनेटली हैं और ये पर्सन दूर भले हैं लेकिन दूर रहकर ऑनलाइन कहीं ना कहीं आप पे अपनी नजर रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना इस वक्त की मैं एनर्जी देख रही हूँ तो इस वक्त में आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंटेंसिटी से, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, जब भी ये पर्सन अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली कम से कम 3 से लेकर 4 बार आपको वहां पर देखते हैं, तो उसके चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ऐसा सच है यहाँ पे व्यूअर्स, जो इस इंसान ने अभी तक छुपा रखा है या इन्होंने छुपाया, यानी कि इन्होंने इस रिश्ते को ना क्यों बोली, इस रिश्ते से इन्होंने पीछे कदम क्यों उठाए या इस रिश्ते की तरफ ये क्यों नहीं बढ़े, उसके पीछे का साफ साफ कारण था पैसा, स्टेबिलिटी, मेटेरियलिस्टिक एक सोच, या फिर वो परिवार जो ये सभी चीजें ने प्रोवाइड करा रहा था, या फिर वो परिवार जो इन्हें उस तरफ लेकर जा रहा था। ठीक है, जिस चीज का कन्फेस इन्हें करना था लेकिन इन्होंने फिर भी कभी भी इस चीज का कन्फेस, इस चीज का सामना ना तो आपके सामने करा ना अपने आप से इस चीज को स्वीकार करा कि पैसा ही मेन रीजन बना था आपसे दूर जाने का या इन दूरियों को स्वीकार करने का। इस वक्त में अगर एनर्जीज के बारे में बात करी जाए तो इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को या जितने भी क्लोज आप दोनों इस रिश्ते में आए हो ना, उसकी तरफ अपने आप को देख रहे हैं।
हालांकि अपनी इंट्यूशन को रिसिस्ट करने की, रोकने की, उसे पीछे धकेलने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि आपकी फीलिंग या इनकी इंट्यूशंस इन्हें उस दर्द में लेकर जा रही है जहां पर इन्हें होना चाहिए, जहां पर शायद मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देखना भी चाहते हैं कि इनके दिल में वो फीलिंग्स डेवलप हो, वो दर्द ये भी फेस करें जो दर्द इन्होंने आपके सीने में छोड़ा। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस इंट्यूशन के स्ट्रांग होने की वजह से, इंट्यूशंस के हाई होने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और एक सॉरी जैसी फीलिंग इस इंसान को आ रही है, रोने जैसा एहसास इस इंसान को हो रहा है, जैसे मन इनका भारी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशन इन्हें उस रिग्रेट में लेकर जा रही है जिसका रिग्रेट इन्हें होना चाहिए, जिस रिग्रेट के लिए आपने पता नहीं कितने साल तक गवा दिए हो या कितना वक्त तक आपने गवा दिया हो। तो ये पर्सन हालांकि अपनी इंट्यूशन को रेसिस्ट करने की, रोकने की, उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ है ना, या वो सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे ताले में बंद नहीं करा जा सकता, जिसे किसी कुएं में फेंका नहीं जा सकता। तो इस वक्त में करंट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जो भी आसपास खामोशी दिख रही है, अंधेरापन दिख रहा है, कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, तो वो सभी चीज़ें इन्हें डर में लेकर जा रही हैं या डर इनके अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। एज एन कि कभी इस रिग्रेट से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, इस रिग्रेट को कभी अपने मन से उतार पाएंगे या नहीं, ख़त्म कर भी पाएंगे या नहीं, उसके लिए कोई माध्यम है भी या नहीं, तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ तो और पता चलेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त में इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है। रिग्रेट को लेकर ये पर्सन इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, आखिर रिग्रेट को लेकर स्ट्रेस के पीछे का कारण बताइए डिवाइन, आखिर रिग्रेट को लेकर इतना स्ट्रेस क्यों है या रिग्रेट क्यों फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में। स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन बेसिकली इस वक्त में ना आपको लेकर अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी इन्हेंस होते हुए पा रहे हैं, जिस इनसिक्योरिटी का इन्होंने गला घोट दिया था उस अबेंडेंस के पीछे भागने की वजह से, या फिर जो यादें आपसे जुड़ी हुई थी, जिन यादों को इन्होंने कहीं दफन कर दिया था, या फिर जो पैसा इन्होंने अपने हाथ में संभाल लिया था, पैसे को होल्ड कर लिया था, अब उसकी जगह इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने को, इनकी इंट्यूशंस इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है ना, इसी रीजन की वजह से ये पर्सन रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, रो भी रहे हैं मन ही मन में, या मन इनका भारी हो रहा है और उसी रीजन की वजह से स्ट्रेस भी लिया जा रहा है। यहाँ पर इनका ना बेसिकली व्यूअर्स स्ट्रेस का कारण बन रहा है कि इस वक्त में इन्हें ना आपकी याद आ रही है, वो यादें जो कहीं ना कहीं इन्होंने पैसों में तोल दी थी, पैसों की वजह से इन्होंने बेच दी थी, बेच कर खा ली थी, अब वही यादें इस इंसान की इनहेंस हो रही हैं और उन यादों पर इस इंसान का खुद से कंट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी फीलिंग इनकी है। करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन। अब करंट में व्यूअर्स को सोशल मीडिया पर क्यों इतना देख रहे हैं, स्पाई करने के पीछे का कारण, मटीरियल। देखिए आपको ये पर्सन सोशल मीडिया पर अभी इसीलिए इतना ज़्यादा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या आपने अपना जो भी कंफर्ट जोन बनाया, या जो भी आपने इतने वक्त में हासिल करा, अपने आप को हील करा, सेल्फ ओरिएंटेड बने, या फिर आपने अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चला, या जो भी ये पर्सन आपसे बात मनवाना चाह रहे थे उसे इनकार करके, उसे ना मानकर अपने आप पर आपने वर्क करा, तो वो सभी चीज़ें ना इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं।
ऐसा क्या मिला आपको इनकी बात ना मानकर? ऐसा क्या आपको हासिल हुआ जो आपने इस दूरियों को एक्सेप्ट कर लिया? या ऐसा क्या आपको मिला जिसके चलते इतने दर्द मिलने के बावजूद भी आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो? तो वो सभी सवाल जो इस इंसान को रेस्टलेस कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, वो सवाल इन्हें आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहे हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या आ गई? उस तरह के सवाल इस इंसान को इतना रेस्टलेस कर रहे हैं जिसके चलते ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स करंटली, अब व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, ये पर्सन भले दूर आपसे आ गए हैं लेकिन जितना ये दूर गए हैं अपने घर से, परिवार से, आपसे, यानी कि घर मीन्स कि ये पर्सन इस वक्त में अब आपको एक घर के तौर पर देख रहे हैं, तो जितना ये पर्सन आपसे दूर गए हैं उतना ही ये हर्ट हुए हैं, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को तकलीफें मिली हैं। और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को जितना ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं या हील हो जाएंगे उस तरह से ही सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप ही का रिश्ता या आप ही जैसे मानो पुकार रहे हो, या आप ही इस इंसान को वो माध्यम नज़र आ रहे हो जिसमें ये पर्सन रहकर बैलेंस हो पाएंगे, जिसमें पहुंच कर ये पर्सन हील हो पाएंगे। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं जिसके चलते ये दूरियाँ भी इन्हें काट खाने को दौड़ रही हैं। कन्फेस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, कन्फेस को लेकर गाइड कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ना बेसिकली आपका सामना करने से डर रहे हैं या आपका कन्फेस करने से डर रहे हैं, वो सच आपके सामने खुद से बोलने से इनके पैर जैसे कांप रहे हो। क्योंकि पहले जब अगर ये आपके सामने कन्फेस करते तब बात कुछ और थी, हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात और बात अब दोनों ही क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट हो गई है, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना चाह कर भी या समझ कर भी या अपनी ज़रूरत पड़ने के बावजूद भी आपके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं या वो सच आपके सामने लेकर आने की स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले फिर भी आप इन्हें माफ कर देते क्योंकि आप तब कहीं ना कहीं इनके लिए भावुक थे, इस रिश्ते के लिए आप नीडी थे, लेकिन अब आपके अंदर वो नीडीनेस इस इंसान को नहीं झलक रही क्योंकि ये कंफर्ट जोन इन्हें आप बनाते हुए ऑलरेडी दिख रहे हो, तभी ये आपको सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस इंसान की स्ट्रेंथ किसी चीज से की नहीं पड़ पा रही और यही रीजन बन रहा है यहाँ पे इस इंसान का छुप रहने के पीछे का, आगे ना बढ़ने के पीछे का, ठीक है। उसके अलग कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो इन्हें इस सच को बाहर लेकर आने नहीं दे रही है, वो ही यहाँ पर इनके इन्हें चुप कर रही है, इन्हें बोलने से मना कर रही है कि ये उस सच को बाहर लेकर आए, वरना सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोपी गई इस रिश्ते को बिगाड़ने की, ख़त्म करने की, वो इनके ऊपर लौट आती। तो इसी रीज़न की वजह से गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई हैं, करंट में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इंट्यूशंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब करंट में और क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे ना जब ये पर्सन अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं या इनके इंट्यूशंस क्योंकि यहाँ पर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है, इसी रीज़न की वजह से इस इंसान को वो सभी चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी गलतियाँ दिख रही हैं या वो सभी जो भी इन्होंने अभी तक बोया, वो उन सभी चीज़ों का जो भी इन्हें रिजल्ट दिख रहा है ना, वो इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को रिसिस्ट करने के लिए बोल रहा है। यानी कि ये जो भी चीज़ें करी गई थी एक वक्त पे आपके साथ, डेफिनेटली उनके पीछे का इंटेंशन जो था वो सही नहीं था, नेक नहीं था, या वो सभी चीज़ें पूरी प्लानिंग के बेस पर करी गई थी, सब कुछ प्री प्लान्ड था, जिसके चलते यहाँ पर आज आपको ये दिन देखना पड़ा। बस आपकी किस्मत अच्छी थी, आपके साथ आपके खुदा, आपके भगवान या जो भी
बीस्ट, जो भी कुल देवी देवता जिन्हें भी आप मानते हैं वो थे, जिसके चलते आप इतने बुरे फेज से या इस प्री प्लान्ड की सिचुएशन से अल्टीमेटली बच पाए और अपने आप को संभाल पाए। और यही रीजन बन रहा है कि अब जरूरत इनकी है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इनकी इंट्यूशंस इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, फिर भी इन्हें अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को यहाँ पर रेसिस्ट करना पड़ रहा है, यानी कि रोकना पड़ रहा है। दर्द इन्हें डेफिनेटली अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है, और उस दर्द के पीछे की वजह ये उस थर्ड इंटेंशन को पा रहे हैं, मान रहे हैं, जो बन रहा है, जो कहीं ना कहीं अब इस इंसान को दिख रहा है, चाहे तो वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से अब ये कुछ कह भी नहीं रहे हैं, चाहे फिर वो पैसा स्टेबिलिटी जिसकी वजह से आपसे दूर गए हैं, मतलब जो भी वजह है अब ये पर्सन उसी पर पॉइंट कर रहे हैं, या उसी को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा अब दर्द में है, सफर कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें तो है, जितना भी करीब आप लोग इस रिश्ते में आए ना, उस रिश्ते की टेम्पटेशन इस इंसान को बेहद ज़्यादा है। देखते हैं आपसे कहने की क्या इच्छा उठ रही है अब इनकी, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स व्यूअर्स के पर्सन अब इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से, स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो बेसिकली अब डर के पीछे का कारण यही बन रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आप अब इनके बिना खुश हो, या आप इनके बिना खुश रह पा रहे हो, आपको इनके बिना खुश रहना आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीजें आपकी खुद से इनकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देता है, या आपकी यही चीजें डिमांड को बढ़ा देता है। I will always be loving you, अब कहना चाह रहे हैं कि आपको हमेशा चाहेंगे, अगर आप इनकी तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा चाहेंगे। ब्लैंक, एकदम ब्लैंक हुए पड़े हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा इस रीजन की वजह से। It was my fault but still I blamed you, तो इन्होंने डेफिनेटली एक वक्त पे आप पे ब्लेम्स लगाए, जिस रीजन की वजह से ही, तो इन्हें यहाँ पर उस सच को बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पर हो सकता है इस रिश्ते के खत्म होने का जो ब्लेम है ना वो आप पर लगाया गया हो, जबकि ये ही थे यहाँ पे। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर, अब इनके इंट्यूशंस आपके लिए इनके दिल में वही पैशन को इन्हांस कर रही है जो ये पर्सन कभी एक वक्त पे दबा चुके थे, मार चुके थे, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, अब ये पर्सन जो भी इन्होंने आप पर आरोप लगाए, ब्लेम लगाए, अब उन्हीं वर्ड्स को ये पर्सन वापस लेना चाहते हैं, या उस तरह की इच्छा रख रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं ये। चलिए ये देखते हैं यूनिवर्स ये डिवाइन आपसे कहना क्या चाह रही है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, बहुत सारे हैं एक साथ। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन। फार अवे प्लेसेस एंड रेजोनेटिंग रेल, देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि व्यूअर्स डेफिनेटली आपका एक ऐसा अतीत है जो आपको आज में नहीं रहने दे रहा, ना आपको आगे बढ़ने दे रहा, यानी कि यहाँ पर उस पास्ट की वजह से आप अपने आप को भी काफी दर्द दे रहे हो, हील नहीं हो पा रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है जब तक आप उस पास्ट को लेट गो नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में आज में जीने के लिए, या फिर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, नई चीजों को आपकी तरफ आने के लिए। तो आपसे यूनिवर्स ये बोल रही है कि जो पास्ट में हुआ उसको ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि उनसे आपने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, और उसको ग्रेटिट्यूड देके आपको अपनी जिंदगी में एक्सपेंड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए आपसे बोला जा रहा है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि सिचुएशन को ना अपने हिसाब से होने दो, ना आपका इनसे मिलने पर जोर था, ना आपका इनसे बिछड़ने पर जोर था, और ना आपका आगे बढ़ने पर जोर है, सब कुछ अपने आप से हो रही है चीजें, तो उसे अपने आप से होने दो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अतीत में रहकर बार बार अपने आप को तकलीफ देते रहोगे, तो वो आपको नहीं करना है, ऐसी गाइडेंस आपके लिए आई है। देख लेती हूँ हालांकि इस इंसान की तरफ से कोई एक्शंस की कोई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं या नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं। डिवाइन सन का कार्ड आया है जो बता तो रहा है भाई पॉसिबिलिटीज है, एक बिग यस को डिनोट कर रहा है, लेकिन इस
एक्शंस के लिए क्या आप अपने आप को वहीं पर रोके रखोगे? ये आपसे एक सवाल के तौर पर पूछा जा रहा है। इनका ऑफर आने के लिए क्या आप अपने आज में अपने आप को हील नहीं करोगे या आज में क्या आप नहीं जियोगे? ऐसा यूनिवर्स की तरफ से ऐसा गाइडेंस बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके तरफ से एक्शंस आने में वक्त यहाँ पर दिख रहा है। जैसे हो सकता है 10 वीक्स लग जाएं इन्हें आपकी तरफ बढ़ने में, तो 10 वीक्स तक कम से कम आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे के अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को हील करना है और आगे बढ़ना है। ऐसी गाइडेंस व्यूअर्स आपके लिए आज की इस रीडिंग में आई है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने ना लाइक करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, ना क्लेम करा, तो अब कर दीजिएगा। इन चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।